दोस्तों नमस्ते, कैसे आप लोग? हम भी बढ़िया हैं और आशा करते हैं कि आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो यहाँ पे दोस्तों अभी हो रही है मेरे ब्लॉग की स्टार्टिंग, दिन के 3 बज गए हैं। मेरी तबीयत हो रही बहुत ज़्यादा आज ख़राब पहुँचे और हम रात को पहुँचे यहाँ पे 11:30 करीब। 1 बजे हम वहीं से निकले थे तो हमें यहाँ पर आते आते हो गए थे। दिल्ली पहुँचे हम 7:30 करीब, तो दिल्ली तो हम सही पहुँच गए थे लेकिन वहाँ से आने में लग गया बहुत ज़्यादा टाइम, क्योंकि हमने वहाँ से करी थी ओला बुक। तो ओला में इतना टाइम लग गया ना, जाम था इतना बहुत ज़्यादा जाम, रास्ते में जाम था। तो ओला वाले ने हमें 3 घंटे पहुँचाया इनकी वजह से। तो ये मैंने इनको बोला था मेट्रो में चलो, तो ये कह रहे मेट्रो में कौन जाएगा, कौन सामान, मतलब यहाँ पानी भरा हुआ था ना बाहर, और बहुत ज़्यादा यहाँ पानी भर जाता है, बहुत बारिश हुई थी एक दिन पहले। तो हमने सोचा कि ओला वाला तो घर में छोड़ देगा, तो हमने सोचा जल्दी पहुँच जाएंगे, लेकिन जल्दी के चक्कर में ना हम और ज़्यादा लेट हो गए थे। इस वजह से हम रात को फिर उसका खाना पीना बनाया और आज सुबह यहाँ पे हालत देखी ना हमने दुकान की, तो इतनी वो रखी थी ना अब क्या बताएं, चूहों ने, बिल्ली ने, सब ने इतना बुरा हाल मचा रखा था यहाँ पे। तो आज तो हमें सुबह से मतलब अभी तक हम यहाँ सफाई करने में लग रहे थे, 2-3 घंटे तो हमें दुकान में लग गए सफाई करते करते, और अंदर का बुरा हाल अभी भी ढंग से नहीं हुआ, ऐसे बड़ा बड़ा हुआ है। तो फिलहाल तो शरीर मेरे बहुत ज़्यादा दर्द होते, मैंने इसलिए आज ज़्यादा काम नहीं करा, थोड़े मैंने कपड़े वपड़े धो लिए और थोड़ा बीच में झाड़ू कर ले, धीरे धीरे हो जाएगा। पर दुकान का मेन था तो दुकान का हमने आज सफाई कर ली थी, क्योंकि यहाँ पे इतने जाले लटक रहे थे ना मकड़ी के, इतने बड़े बड़े जाले है ना। तो अब चलो हो जाएगी, तो ये काम तो हो ही गया फिलहाल सफाई सफाई का। और अभी हमें ना खाना नहीं खाया, 3 बज गए हैं, इन्होंने तो खा लिया, और खाना खाने का मन भी नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर इतनी गर्मी लग रही है ना हमें, हम इतने दिन तक 15-20 दिन वहाँ उत्तराखंड में रहे तो वहाँ पर तो मौसम बढ़िया था एकदम, तो यहाँ पर इतनी चिपचिपाहट गर्मी हो रही है ना, ये वाली गर्मी जो हो रही है बहुत ही ज़्यादा चिपचिपी हो रही है। तो हेलो दोस्तों नमस्ते, कैसे हो आप लोग? हम भी बढ़िया हैं और आशा करते हैं कि आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो दोस्तों अभी ब्लॉग की स्टार्ट हो रही है दूसरे दिन, और शाम के 6 बजे से नहीं 5:30 बजे से, तो अभी यहाँ पे हमारी चाय बन रही है और ये पी रहे हैं यहाँ पे चाय, और मैं चाय नहीं पीऊँगी, मैं अपने लाई हूँ गाँव से ब्रांस का जूस, तो मैं पीऊँगी ब्रांस का जूस। तुम पियोगे? तो मैंने पहले बोलता चाय मत पियो, गर्मी इतनी हो रही है, चाय पीने का बिल्कुल मेरा मन नहीं करता है। वो तो उसका था ऑरेंज वाला माल्टा का। तो ये है ब्रांस का जूस, ये बहुत ही टेस्टी होता है, हम पहले भी लाए थे, कहाँ जा रहा है? हम पहले भी लाए थे इसको गांव से, और अब इसको हम देखते हैं, इसमें 2 आते नकली है यार असली, वैसे तो भैया कह रहे थे ये असली वाला है, तो अब देखते हैं इसको पी के असली है कि नकली है, पी के पता चलेगा भाई। तो मैंने फिलहाल इतना ले लिया यहाँ पर, ये अब मैं इसमें डालूँगी पानी, बाकी मैं छुटा दूँगी पानी। तो मैं इसको ज़्यादा नहीं भर रही हूँ, तो मैं इसमें चीनी वगैरह कुछ डालूँगी, मुझे ज़्यादा मीठा पसंद नहीं है। तो यहाँ पे मेरा शरबत बन गया है, अब मैं इसको पी के देखूँगी कैसा हो रहा है, ये बिल्कुल रूह अफ़ज़ा की तरह लगता है, अच्छा तो हो रहा है, सर मैंने ज़्यादा डाल दिया तो ज़्यादा में पड़ता होगा इसको, मस्त है ना, अच्छा हो रहा है। चले बेटो चले, हैं आपको कैसे लग रहा है 3 दिन बाद स्कूल जा रहे हो, कैसे लग रहा है आपको, हैं यहाँ पे बोलो, यहाँ पे इधर आके, कैसे लग रहा है? गंदा। गंदा लग रहा है? नहीं अच्छा लग रहा है। गंदा। कितने दिन बाद आप स्कूल जा रहे हो? बहुत दिन बाद जा रहे हो ना, पूरे 1 महीने बाद है ना, अच्छा लग रहा है आपको, अच्छा लग रहा है ना, अच्छा लगता है ना स्कूल में, इधर देखो अच्छा लगता है ना, तो आप तो नहीं रहोगे ना, तो आप रो क्यों रहे थे फिर अभी? हाँ तो आदत गंदी हो गई थी ना, 3 दिन तक सो रहे थे, फिर गांव से घूम के आए हो। तो ये देखो दोस्तों यहाँ पे रिसु ना भी रो रहा था स्कूल जाने के लिए, तो आज रिसु पूरे 1 महीने बाद स्कूल जा रहा है, तो ये रो रहा है, तो बाय बाय करो, मिलते हैं बाद में, बाय बाय करो, और मैं जा रहा हूँ दोस्तों स्कूल। खाने में बना है हरड़ की दाल और चावल, तो यहाँ पर लगा दिया परदेव जी के लिए खाना, ये देखो एकदम घी डाल के मस्त। तो अब यह मैं जाऊंगी दुकान में, वही आएंगे खाना खाने के लिए। जो चम्मच के अंदर चटनी पड़ा ना, जो चटनी के अंदर चम्मच पड़ा ना उसको ले लेना, ठीक है।
तो यहाँ पे दोस्तों हमारा खाना पीना भी हो गया है और मैंने बर्तन वर्तन सब धो लिए हैं। तो अभी टाइम हो गया है, 3 बज गए हैं और आधे से जाएगा ट्यूशन। तो अभी ये रो रहा है फिलहाल, तो इसको पिटाई लगने वाली है क्योंकि आज इसने थोड़ा बहुत ड्रामे सुबह स्कूल के लिए भी करे, लेकिन उसके बाद फिर तैयार हो गया था। अब ऐसे ड्रामे ही है, अब ट्यूशन जाने के लिए भी कर रहा है। तो अब ये मेरे मार खाएगा तब जाएगा ये। और हल्ला जो हो रहा है कूलर का हो रहा है क्योंकि अब बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है इसलिए। ए हीरो, हीरो खड़ा हो जा, फटाफट खड़ा हो जा, मार खाएगा फिर। तो अभी मैं इसको उठाती हूँ पहले, उसके बाद मिलती हूँ आपको सीधे इसको तैयार करने के बाद। वैसे ही उठने वाला नहीं, इसको करना पड़ेगा ज़बरदस्ती तैयार। तो ये घर में बिल्कुल पढ़ाई नहीं करता है, ट्यूशन में थोड़ा बहुत कर भी लेगा। तो अभी ये जा रहा ना, आज 1 महीने बाद स्कूल, 1 महीने बाद ट्यूशन जा रहा है, तो इसको थोड़ा वो लगेगा अभी थोड़ा, लेकिन जाएगा तो ये है, ये तो मेरा वादा है। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने रिश्ते को तैयार कर दिया, लेकिन अभी उठ गया था, अभी फिर लेट गया। इसे देखा मम्मी ने फोन खा लिया है तो फिर लेट गया। नहीं मारती मैडम, मैं ना मैडम को बोल के आऊंगी, मारना मत रिशु को, ठीक है? ठीक है, स्कूल वाले मैडम ने नहीं मारा था ना, आप सुबह भी ऐसे कह रहे थे ना कि मैडम मारेगी, नहीं मारा ना स्कूल वाले मैडम ने, नहीं मारा ना, चलो रिशु आ गए ट्यूशन से घर, और बीच में पड़ती आइसक्रीम की दुकान। तो ये देखो, ये लाए रिशु वहाँ से आइसक्रीम, पिघल रही है वो। रिशु क्या खा रहे हो? हैं मामा को दे दो ना। अच्छा आप दे, बट मैं तेरे खाऊं। मेरे को खाई जल के मुँह। क्या कह रही ज्योति, ज्योति क्या कह रही है? जो भी आ रहा है सब कह रहे तुम काली होके आ गई हैं। तो अभी ना क्या पता कि हमारे गांव में जाके काले हो जाते हैं, पता नहीं। तो अभी एक लड़की आई थी, कह रही भाभी तुम तो काली होके आ गई हैं। सच में मुझे नहीं लग रहा, पर तो मैं यहाँ पे ना बहुत दिनों बाद सामान लिख रही हूँ, तो मेरे हाथ ऐसे कांप रहे हैं जैसे पता नहीं क्या, 15-20 दिन से कलम हाथ में पकड़ी नहीं ना, तो सच में लिखा ही नहीं जा रहा है। एक ही सामान लिखना ऐसा हो रहा है, अजीब से हो रहा है। ऐसा क्यों होता है ना ऐसा? यहाँ पे देखो, ये देखो बेचारे उस डॉगी को ना यहाँ पे खुजली हो रही है, आराम से खुजली करवा रहा उससे है। देखियो आराम से करवा रही है ना, उसको क्या मजा आ रहा है गाय को भी। और यहाँ पे ये देखो दोस्तों, चॉकलेट के डब्बे चॉकलेट के डब्बों में क्या है, तो चॉकलेट के डब्बों में भर दी मैंने राजमा, और ये है, ये भी दाल ही है। तो ये हम लाए थे आगरा खाल से ख़रीद के, रास्ते में पड़ता है आगरा खाल, हाँ आगरा खाल से ख़रीद के। तो यहाँ वहाँ की दाल ना थोड़ी टेस्टी होती है, गांव की दाल, तो इनको ना बहुत अच्छी लगती है मेरे पतिदेव जी को। तो 2 किलो लाए थे, 1 किलो राजमा और 1 किलो ये क्या है तुअर, 1 किलो तुअर की दाल। तो मेरे को ना डब्बे नहीं मिले, तो मैंने सोचा ही नहीं मैं रख दूँ, तो ये डब्बे सही है। तो क्या कर रहे हो जी, कट गया? तो यहाँ पर दोस्तों उन्होंने काट लिया है टमाटर, प्याज, लहसुन है ना। तो आज हम बना रहे हैं गाँव वाली दाल, तोर की दाल, जिसके उन्होंने ज़्यादा प्याज टमाटर कम काट दिए। प्याज ज़्यादा नहीं लग रहा, सारा क्यों काटा आपने प्याज? यहाँ पे ये खाना खा के आ गए हैं, इनसे पूछते खाना कैसे बना था जी। खाना मतलब बहुत मस्त था, और आज मेरे पिताजी की बहुत ही अच्छी पसंद दाल थी, तोर की दाल। अच्छा, तोर की दाल, तोर की दाल। तो आज मैंने
वो तोर की दाल बनवाई, मैंने अपनी वाइफ से बोलकर वो तोर की दाल बनवाई, मैंने कहा दीदा आज तोर की दाल बना वो खाएंगे। तो भाई कहाँ रहती हो तुम्हारी वाइफ, कहाँ रहती हो? नहीं रहती है, दिखाई क्यों देती कभी वो? कहाँ पे हो? कहाँ हो? यही रहती है, यही खड़ी है बिल्कुल। अरे और हमने तो आज देखा नहीं उसको कभी। नहीं देखा तो कोई बात नहीं, दिखा देंगे आपको, उसको ज्यादा खूबसूरत भी ना हो। अच्छा ऐसी है। अच्छा तो भाई साहब वो तोर की दाल थी ना, पहले मुझे तोर की दाल बात पूरी करने थे। अच्छा तो तोर की दाल थी जो वो मैंने खाई है, वही पुराना टेस्ट देसी घी डाल के। अच्छा रही है, अच्छी हो रही है, अच्छी हो रही है, बहुत बढ़िया। आगे बनाए किसने? और भाई साहब इतनी मस्त बनाने के ऊपर बात होती है, ठीक है ना, इतनी मस्त बनाने के ऊपर होती है बात। अपने गिट्टी बंद कर ले। हाँ बस हो गया, ज़्यादा मुझे यहाँ पर टाइम पास नहीं करना, ठीक है। बस आपको अच्छी लगी ना? हाँ। आपने खाना खा लिया ना? हाँ। बस सीधे बोलो ना, ये थोपड़ी खाइए, थोपड़ी खाइए। और दिन क्या खाते हो? और दिन तो बिल्कुल थोड़ा सा खाना था ना, आज मैंने थोपड़ी खाई है। चलो ठीक है, फिर हम भी खाते हैं भाई, हम भी जाएँ। हाँ जाओ।